चाट हो या दही बाड़ा, इस चटनी के बिना तो इसका स्वाद बिल्कुल अधूरा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस चटनी को बनाएंगे, एक मीठी वाली और एक तीखी वाली। इस चटनी को आप बनाकर 2 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और होली के त्यौहार में इसे यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। नमस्कार, गुड्डी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम एक पैन में 1 गिलास पानी डालेंगे, 1/4 कप अमचूर का पाउडर डालेंगे। दोस्तों, आज हम इस चटनी को अमचूर के पाउडर से बना रहे हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। और जितना अमचूर का पाउडर लिए थे उससे दुगना हम गुड़ ले लिए हैं। गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे और ये चटनी 2 से 3 मिनट में गाढ़ा हो जाता है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो रहा है। इसमें हम 1 चम्मच काला नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें जिंजर पाउडर डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 मिनट तक हम और इसे पका लेंगे। धीरे धीरे करके ये गाढ़ा होता जाएगा और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है, तो बिल्कुल सही है अभी। तो इस वक्त में हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चटनी को निकाल लेंगे। तो 4-5 मिनट में ये चटनी बनकर रेडी हो जाएगा, तुरंत बन जाता है। तो इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। तो इसे हटा देते हैं। अब हम बनाएंगे हरी वाली चटनी। तो मिक्सी का एक छोटा वाला जार लेंगे, इसमें हम 100 ग्राम हरा धनिया की पत्तियों को धोकर साफ करके डाल दिए हैं। इसमें हम 10-15 दाने मूंगफली के डाल दिए हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें 2 कली लहसुन की डाल देंगे, 1 हरी मिर्च को तोड़कर डालेंगे, 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको बारीक पीस लेंगे और ये देखिए, ये बारीक पीस कर आ गई है। और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दोनों चटनी बनकर रेडी है, बहुत जल्दी से बन जाता है। और इसे बना लेंगे तो फिर तो आपको चाट और दही बारे में बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।